आदिवासी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और बनिहारी विधानसभा से पार्टी प्रत्याशी रहे अनिल उराव की अपराधियों ने अपहरण के बाद हत्या कर दी है। परिजनों द्वारा 10 लाख की फिरौती दिए जाने के बावजूद इस घटना को अंजाम दिया गया। मृतक का शव के नगर के ढगराहा से बरामद किया गया। लोजपा नेता अनिल उराव की हत्या पर लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने दुख जताया है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि अनिल उराव बेहद मिलनसार थे, अपहरण कर उनकी हत्या की गई है। अनिल उराव के अपहरण की सूचना मिलने के बाद वे दो जिलों के पुलिस अधीक्षक से संपर्क में थे ताकि किसी तरह उनकी जान बच सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी हत्या ने एक बार फिर बिहार की कानून व्यवस्था की हकीकत को बयान कर दिया है। इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उनके परिजनों को शक्ति प्रदान करे। जनशक्ति पार्टी आदिवासी प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरिन उराव जी का 3 दिन पहले अपराधियों ने अपहरण कर लिया और उनके परिवार से 10 लाख रुपया मांगा गया फिरौती, जिससे कि उनके लिए परिवार के लोग पूर्णिया एसपी से बात किए और पूर्णिया एसपी भी जानकारी था कि यही क्षेत्र में है अरिन उराव जी, और आदरणीय लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान जी भी पूर्णिया के एसपी से बात किए और अरिन उराव परिवार से भी बात किए। पूर्णिया के एसपी ने कहे कि हम जल्द ही अरिन उराव को अपने कब्जे में लेके परिवार को सौंप देंगे, लेकिन अपराधियों ने 10 लाख रुपया ले लिया, उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। इसलिए पूर्णिया के पुलिस प्रशासन पुलिस अधीक्षक का कड़ी भर्सना करते हैं और सुबह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी हम कहना चाहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी की तमाम कार्यकर्ताओं की आए दिन हत्या की जा रही है और उन पर ध्यान देकर फंसाने का काम किया जाता है। हम इसकी कड़ी भर्सना करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी सड़क पर उतरेगी और बिहार सरकार को विधानसभा घेरने का काम करेगी।